मैं खुद भी छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ना चाहती थी सब्सक्राइब जय हो जय हो छसगढ़ चलो यार हो गया यार शूट हाँ यार दीदी बहुत टाइम से ड्यू था जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो मैं गरिमा दिवाकर आप सबूझ जोहार करत हूँ प्रणाम करत हूँ और आप सबू झल के स्वागत करत हूँ हमार कार्यक्रम सुघर गोठ में जेकर होस्ट मैं हों और घोस्ट भी मैं हों और एक गेस्ट भी मैं हूँ तो आज के शो के नाम है गरिमा दा दिवाकर जैसे कि आप मन हो कि मैं हाँ अपन अंजोर टीम के डायरेक्टर हों और ये अभी जो यूट्यूब चैनल में ये कार्यक्रम अपन देखा हो एक नाम है याना मीडिया सी जी जेकर डायरेक्टर भी मैं ही हो। हों प्रोड्यूसर भी मैं ही हो, हों और सब कुछ मैं ही हो। हों बीच में आप मतलब सब कुछ पता है कि मैं हाँ अभी दिल्ली में रही हूँ फिर अभी मैं दिल्ली से आ गए हूँ तो जब दिल्ली गए रहे हूँ तो अपन काम ला में हाँ जिसे अंजोर के कार्यक्रम में स्व स्वर्णा रही से वैसे याना मीडिया के कार्यक्रम ला श्वेता महिमा दास संभालत रही से तो अब मैं वापस आ गया हूँ तो अब एला मैं हाँ वापस से हाईजेक कर ले हूँ तो आज के कार्यक्रम के गेस्ट में ही हो और में ही हो तो आज के शो के नाम है गरिमा दा दिवाकर गरिमा दा दिवाकर ओ गरिमा दा दिवाकर दी 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 दीदी दीदी मुरे एक तो सवाल है मुरे एक तो सवाल है दीदी माफ करना हिल गए सब कुछ हाँ तो मुरे एक तो सवाल है आप ही होस्ट हो आप ही गेस्ट हो और सब जो जो मेरा है वो आपका ही है दीदी <laughs> लेकिन अभी आप गेस्ट हो लेकिन किसी को तो होना चाहिए ना यहाँ पे सवाल पूछने के लिए तो मैं पूछ लूँ पूछ सकती हैं आप पूछिए ठीक है तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आकर के आपको अपने शो में आकर के <laughs> अपने शो में आके तो अच्छा ही लगता है मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है वाह मज़ा आ गया वाह ये बिस्किट भी बहुत कमाल की है वाह मज़ा आ गया वाह आपके लिए आपके लिए खास मंगाया <laughs> है दीदी आई आए है अपने घर वापस तो इसलिए तो दीदी जैसा कि आप अपने शो में वापस आ गई हैं अपने स्टूडियो में वापस आ गई हैं तो मुझे बताइए जब आप यहाँ पर आई हैं तो आपका जो इंटरव्यू लेने वाली है श्वेता महिमा दास तो आप श्वेता महिमा दास के बारे में क्या जानती हैं और उन्हें कब से जानती है और उनसे आपने क्या सीखा है ज़िंदगी में श्वेता महिमा दास एक बहुत बड़ा नाम है श्वेता महिमा दास छोटा मोटा नाम नहीं है और ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है आपको मैं बताना चाहूँगी कि श्वेता महिमा दास तीन चार साल की उम्र से तत्पर संगीत के क्षेत्र में काम कर रही हैं अभी संगीत शिक्षिका हैं और बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर हैं इनके गाने सुपर डुपर हिट हैं और सबसे बेस्ट चीज है कि ये मेरी ननपन की संगवारी है इससे ज्यादा और क्या ही मेरा कोई इंट्रोडक्शन दे सकता है दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब आपके छत्र छाया में मैंने जो कुछ भी किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं <laughs> तो देखिए जैसा कि आपको पता चल गया है कि गरिमा और मैं बचपन के दोस्त है और जो आप ये सुन रहे हैं दीदी दीदी तो मैं आपको बता दूं कि गरिमा सिर्फ आप लोगों की दीदी -दी नहीं है गरिमा हमारी भी दीदी -दी है दीदी -दी, हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं दीदी बोल करके एक दूसरे को प्यार और इज्जत देने के लिए बिल्कुल है ना और हमें संस्कार में मिला है हाँ हमें संस्कार में मिला है लेकिन आपको बीच बीच में ऐसा सुनने को मिलते रहेगा गरिमा दीदी तू या फिर अट्रैक्शन जो मैं प्यार से बुलाती हूँ गरिमा को <laughs> अच्छा ठीक है बहुत सारी मस्ती हम लोग करने वाले हैं आज के शो में कुछ गाने भी हम गुनगुनाने वाले हैं आप लोगों के लिए आ, तो आ, गरिमा का मैं इंट्रोडक्शन जब बना रही थी मुझे मुझे याद नहीं हो पा रहा है यार दीदी -दी, मैं कैसे बताऊँ तो आप लोगों के सामने है दोस्तों गरिमा द दिवाकर छत्तीसगढ़ की रॉक स्टार पॉप स्टार फोक आर्टिस्ट और हिंदी में बोले तो छत्तीसगढ़ की आ, लोक गायिका छत्तीसगढ़ <laughs> की फेमस प्लेबैक सिंगर छत्तीसगढ़ के स्टेज में आग लगा देने वाली गायिका और चाइल्ड आर्टिस्ट बच्चे जो चाहती चा, अभी बच्ची नहीं है बचपन में चाइल्ड आर्टिस्ट थी ना बच हाँ बचपन में थी चाइल्ड आर्टिस्ट अभी बचपन में चाइल्ड आर्टिस्ट थी और एक्टर और अंजोर की मालकिन और क्या नहीं तो मेरे साथ एक दिक्कत होती है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि पहली बार जब मैं मिलती हूँ किसी से कि आप क्या करते हैं मैं समझ नहीं पाती कि मैं क्या बताऊँ मैं गाना गाती हूँ मैं एक टीचर हूँ फिर एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है हम उसमें गाने बनाते हैं हम उसमें फिल्में बनाते हैं यूट्यूब चैनल है छोटा सा समझ नहीं पाती हूँ कि क्या बोलना है जब गरिमा दिवाकर से कोई पूछता है कि गरिमा दिवाकर कौन है गरिमा दिवाकर क्या करती हैं तो आप क्या जवाब देती हो मैं मुझे ऐसा लगता है कि बस भगवान बनने की ही देरी रह गई अपुनिज भगवान अपनिज भगवान है मतलब अच्छा इतना टैलेंट कैसे दे सकता है भगवान किसी को कि मतलब बंदा खुद कंफ्यूज हो जाए कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता मैं क्या नहीं हूँ हम कांड करते हैं बचपन से कांड करते हैं तो जीवन में ऐसे ही कांड होता गया है तो कर्मकांडी तो हम बचपन से ही रहे हैं तो हमसे कोई भी पूछता है तो अभी तो हम संस्कारिक हो गए जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत संस्कारिक हो गए हैं आप तो हमारे बारे संस्कार में संस्कार तो को... फूट फूट के दिखते हैं कि हम जोर के आ, सोशल मीडिया में जा कर के देखें तो संस्कार की जो वर्षा होती है और इसका मुख्य श्रेय भी है कि हम संस्कार भारतीय स्कूल में पढ़े हैं तो इसलिए हमें संस्कार मिला है पर अगर आप ऐसे मुझसे या मुझसे ऐसा कोई पूछता है तो मैं सबसे ज़्यादा ये पसंद करती हूँ कि लोग मुझे लोक कलाकार के नाम से ज़्यादा जाने कि छत्तीसगढ़ की लोक कलाकार हूँ मैं और छत्तीसगढ़ी फोक आर्टिस्ट हूँ इस तौर पे मुझे जाना जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी तौर से आपको जाना जा रहा है मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरी दोस्त <laughs> अपना नाम कर रही है लेकिन अपने प्रदेश का भी नाम कर रही है यहाँ नहीं लेकिन पूरे भारत में और आज के डेट में कौन नहीं जानता है मतलब अगर मुझे बड़ा फील करना है ना तो मैं लोगों को बता देती हूँ गरिमा दिवाकर मेरी दोस्त है oh, <laughs> तो सब लोग मुझे स्पेशल तो आपने देखा कि श्वेता महिमा टीचर तो हैं म्यूजिक कंपोजर भी है सिंगर भी है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी अंडरस्टैंड अपना <laughs> पूरा टैलेंट दिखाएंगे छुपा रह गया है सब कुछ तो दीदी आगे पढ़ने के पहले बहुत सारे लोग जो हमको देख रहे हैं वो चाहते होंगे कि हम उनके लिए कुछ गाएं तो हम जरूर गाएंगे लेकिन शुरुआत हमको किस गाने से करनी चाहिए अब हम छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़ी महातारी के वंदना से ही शुरुआत करते हैं बिल्कुल तो हम गाते हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत आप लोगों के लिए जय हो जय हो छत्तीसगढ़ मोहतारी की जय क्या गाते हैं दीदी हम लोग यार बधाई हो अगला गाना मेरा कब आ रहा है अंजूर के साथ <coughs> बहुत ही जल्दी बहुत जल्दी और आपका गाना कब आ रहा है यानी मीडिया के साथ ये तो मैं प्रोड्यूस जब करूँगी तो मैं बताऊँगी आपको अनाउंसमेंट डायरेक्टर आप लोगों के लिए आप भूलिएगा नहीं डायरेक्टर मैं ही हूँ <laughs> <laughs> <या, बिल्कुर>। <laughs> अच्छा डायरेक्टर की बात चल रही थी, थी। <laughs> क्या है? ये कट नहीं करेंगे हम चलते रहेगा ये ठीक है एकदम इसे एकदम हम रॉ रखेंगे तो अभी तक आप लोगों ने बहुत बार हमारे मुंह से सुन लिया ये नाम अंजोर तो अंजोर क्या है अंजोर एक प्रोडक्शन हाउस है हमारी ही माटी हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ का और अंजोर क्या क्या काम करता है ये आप सबसे पहले ज़रूर जा कर के देखिए यूट्यूब में अंजोर के यूट्यूब चैनल में और अंजोर के इंस्टाग्राम पेज पर पे। और इसकी डायरेक्टर हमारे सामने बैठी हुई हैं मिस गरिमा दिवाकर तो मैं चाहूँगी कि गरिमा आप ही बताओ अपनी इस सोच के पीछे क्या मकसद था और आज सब कुछ कैसा चल रहा है क्या है अंजोर अंजोर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंजोर हमारी एक सोच है हम सभी की सोच है कि अंजोर का मतलब मैं पहले बताना चाहूँगी कि अंजोर का मतलब होता है प्रकाश रोशनी पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जा तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी और छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति लोक परंपरा की जो सकारात्मक ऊर्जा है पॉजिटिविटी है वही है अंजोर का तात्पर्य और वहीं से ही अंजोर का नाम हमने रखा पहले हमारे ग्रुप का नाम जैसे आपको पता था कि गरिमा सोना दिवाकर एन ग्रुप था और हमारे यूट्यूब चैनल चैनल का नाम भी गरिमा दिवाकर ही था जिसको हमने मिलके बनाया था जी इसके पीछे भी स्टोरी है, इसके, इसके इसकी बात हम करेंगे काफ़ी अब ये आगे बहुत सारी बातें हैं तो उसका भी नाम हमने चेंज किया क्योंकि हमें एक ग्रुप को लेके आना था और एक सकारात्मक ऊर्जा जिसको लेके हम काम कर रहे थे जिसका हमें एहसास हुआ वो फील लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने अंजोर की शुरुआत की और अंजोर में जहाँ तक मैं देखती हूँ तो जितना टैलेंट का कीड़ा है गरिमा के अंदर स्वर्णा के अंदर वो सब कुछ यहाँ से निकल रहा है तो गरिमा जैसे कि हमने बात करी एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी तो बहुत सारे हमारे आ, लोकल एड्स में आप गरिमा को देख सकते थे उस समय में बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे एल्बम्स में आपने गरिमा को देखा होगा बचपन में सरस्वती साइकिल योजना में मैं थी <laughs> और कुछ फिल्मों में आपने गरिमा को देखा होगा तो ये जितनी चीज़ें थी अपना प्रोडक्शन हाउस है तो गरिमा ये सारी अपनी जो इच्छाएँ उसे पूरा कर रही है अपने हिसाब से तो गरिमा एक बात मेरे को बताओ बहुत सारे गाने हमने देखे और अपने पता नहीं कहाँ जाकर शूट किया है आपने वो सारे गाने और ऐसा लगता है कि सिर्फ ये अकेले से ये काम होना मुश्किल है एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है और टीम के साथ साथ एक बहुत बड़े बजट की जरूरत पड़ती है तो उसको कैसे मैनेज करते हो तो जैसे कि आपने बोला कि बजट की जरूरत पड़ती है उसके लिए टीम की जरूरत पड़ती है और ये सारी चीज़ों के लिए अच्छी टीम की जरूरत पड़ती है तो टैचवुड मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है जो मेरे बहुत से दोस्त है जो जो हम साथ में थिएटर करते हैं मेरी फैमिली तो है ही सपोर्टिव है आपको तो पता ही है मैं सुना हम थे ही ओम हमारे साथ में था ही बट मेरे साथ में अमन अमन राय जो दिल्ली से है जो हमारे अंजोर के जितने भी आपने गाने देखे होंगे उसके डायरेक्शन उसने किया है काफ़ी सारे गीतों की उसने सिनेमाटोग्राफी की है तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो संदीप मिश्रा और भी लोग जुड़ते जाते हैं जैसे कि आप विकास शिवास भी है उसमें साथ में हमारे और भी बहुत सारे लोग समय दर समय जुड़ते जाते हैं पर ये कोर टीम है जो हम लोग मिल के काम करते हैं और तब हम साथ में बैठ के बजट की भी बात करते हैं और जितनी कोशिश करें कि हम कम से कम बजट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाए पर वो बजट कम नहीं होता है बिल्कुल वो बढ़ता ही जाता है तो पिताजी को मनाया जाता है और इस तरह से हम मैनेज करते हैं कि हमारे पिताजी हैं जो कि हमारे अंजोर के जितने भी गीत हैं उसके प्रोड्यूसर हैं तो उनको मनाते हैं हम कि हमें ये करना है वो करना है और फिर पापा मम्मी इतने सपोर्टिव है कि बच्चों की इच्छा है और वो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं तो वहाँ से सपोर्ट मिलता है तो हम काम करते हैं ये तो बिल्कुल सही बात है लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो अंदर की बात है बताना चाहो ना बताना चाहो लेकिन लोग जानना चाहते हैं अब तक का आपका सबसे बड़ा बजट का सॉन्ग कौन सा था सबसे बड़ा बजट का सॉन्ग जो है वो था कचना कचना जिसमें में दीपक साहू आपके साथ जी <laughs> कचना में दीपक साहू मेरे साथ में थे हम साथ में स्कूल में पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं बहुत अच्छे डांसर हैं और अभी उनका गाना सुपर डुपर हिट है तो वो थे इस सॉन्ग में इस सॉन्ग का बजट काफ़ी ज़्यादा था मतलब अंजोर के जितने भी गीत हैं हमारे <laughs> उसमें काफ़ी ज़्यादा बजट था इसका पर अभी जो नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है उसने उसको क्रॉस किया है जो सरप्राइज है लोगों के लिए अच्छा ये सबसे बड़े बजट का था अच्छा सबसे ज़्यादा कठिन प्रोजेक्ट कौन सा था अभी तक का आपका कौन सा गाना था कठिन भी था और हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया उसको तो वो दो गाने थे जिसको हमने साथ में शूट किया था एक तो चले आबे रे जिसमें योगेश मेरे साथ में था और दूसरा था निर्दया रे जिसमें संदीप मिश्रा थे साथ में तो ये दोनों गाने हमने शूट किया था मैन पार्ट में तो मैन पार्ट में हमने शूट किया वेदर की काफ़ी समस्या आई वहाँ पे उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था और रायपुर में लॉकडाउन चल रहा था और हम मैन पार्ट में फंसे हुए थे और उस टाइम मौसम भी ऐसा ख़राब हो गया कि धुंध आ गई तो हमारा बजट भी काफ़ी बढ़ गया कि हम हमें एक हफ्ते में शूट कंप्लीट करना था और वापस आना था पर हुआ ये कि वेदर और ये लॉकडाउन के चलते हमारा शूट जो है वो एक्सटेंड हो गया तो वहाँ पे हम कम से कम दस बारह दिन रुके तो काफ़ी दिक्कतें थी काफ़ी छोटी टीम थी पर हमने बहुत इन्जॉय किया बहुत इन्जॉय किया चाहे वो लॉकडाउन है उसको भी काफ़ी इन्जॉय किया वेदर को भी काफ़ी इन्जॉय किया मैं बार बार तैयार होकर मेकअप करके जाती थी और वहाँ पर सोचते थे कि अब सूरज निकलेगा अब सूरज निकलेगा मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट गाना है वो गरिमा और मेरा ही नहीं बाकी लोग भी चाहेंगे अगर दो लाइन उसकी आप सुना दो अभी आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी मैं आप सभी को चल जबरदस्त जबरदस्त तो ऐसा थोड़ा सा गला फंस जाता है इतनी ज्यादा ज्यादा मस्ती करेंगे और ज़्यादा ही 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 करेंगे ही तो ऐसा होता है तो हमसे सीख लीजिए और ऐसा मत करिए <laughs> तो सीरियस बातें बहुत सारी हैं जो आगे हम करेंगे लेकिन कुछ इल्जाम है गरिमा आपके ऊपर अच्छा मुझ पे इल्जाम है हाँ जी तो, 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 तो आपके ऊपर इल्जाम है जिसका जवाब हम चाहते हैं कि आप खुद सबके सबको ऐसे दें सामने में तो शुरू करें इल्जामों का सिलसिला वैसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे कि ये इल्ज़ाम लगाया किसने <coughs> ये हम आ, नाम नहीं बता सकते किसी का अच्छा ठीक है जी. तो आप मेरी संगवारी हैं तो आप मुझे बाद में बताएंगे हो सकता है मैं आपको बताऊँ या मैं आपको ना बताऊँ कुछ भी हो सकता है जी ठीक है चलिए <coughs> तो आज इल्ज़ाम नंबर एक कि गरिमा कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाती और मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करती ये बात मैं बिल्कुल सिरे से हाँ कहना चाहूंगी कि मैं इस बात को स्वीकारती हूँ कि मैं सही में फोन नहीं उठा पाती हूँ उसका रीजन है इसका रीजन भी है श्वेता वही जनता जानना चाहती है मैं जनता को बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे रीजन है और रीजन ये है कि मैं क्लास में रहती हूँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं क्लास में चाहे नहीं सुबह उठा के नौ बजे चाहे दिन के दोपहर के बारह बजे चाहे रात के दो या रात के चार बजे बिल्कुल सबको जवाब मिल गया रहती हूँ मैं सबको जवाब मिल गया जवाब मिल गया अच्छा एग्जाम नंबर दो बिल्कुल गरिमा कभी किसी भी जगह टाइम से नहीं पहुंच सकती ये तो हमारा बचपन से जन्म सिद्ध है और ये मेरा ही नहीं श्वेता महिमा दास जो मेरे सामने बैठी <coughs> है इसका भी जन्म सिद्ध <coughs> है तो हमने ये ट्रेंड बनाया है कि हम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे और जब भी कोई पूछेगा तो हम लगे ये बस एन के पास एन आई टी के पास में मेरे पिताजी तो बहुत परेशान अच्छा तीसरा सवाल ये है जी गरिमा दिवाकर बचपन से अपने आप को बहुत बड़ी स्टार समझती है और वो ये कहती फिरती है कि मैं गरिमा दिवाकर हूँ नहीं मैं कहती हूं कि गरिमा द दिवाकर हूँ गरिमा द दिवाकर <laughs> <laughs> तो वैसे मैं बचपन से अपने आप को तो नहीं समझती स्टार और आगे कभी नहीं समझूंगी स्टार कोशिश कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे काम करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए और कभी जाके स्टार में जब पहुंच जाए तो लोग हमें याद, याद करें कि करें। वो कोई था इस तारे की तरह चमकती <laughs> हुई कोई थी बच्ची जिसके आने से ही भूचाल आ जाता था <laughs> और रोशनी फैल जाती थी थोड़ी सी तारीफ भी कर लेंगे हम लोग तो एक दूसरे की ठीक ठीक अच्छा एक और इल्जाम है इल्जाम नहीं है ये अफवाह है मैंने सुना क्या की गरिमा दिवाकर की शादी होने वाली है बहुत जल्दी ये अफवाह कहाँ से सुनी आपने और किसने ये, ये अफवाह ये, 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 ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि गरिमा दिवाकर की शादी होने वाली है अब उम्र हो गई है और पूरे छत्तीसगढ़ में लोग जानते हैं इतनी सॉरी प्रख्यात <laughs> कलाकार <laughs> है तो लोग चाहते हैं भाई और कहने को सुनने को मिल रहा है कि गरिमा की शादी होने वाली है शादी होने वाले हैं ऐसा मुझे ख़ुद पहली बार अभी सुनने को मिला है तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये सूचित किया है कि आपको ये सूचना मिली है कि मेरा विवाह होने वाला है इस इस बात का हमको पता लगाना पड़ेगा तो आ, ये जो एक्टर देख रहे हैं आप हमारे अंदर का इस एक्टर को गरिमा ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है और वो कैसे इस्तेमाल किया है अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि गरिमा क्या कर रही है आजकल थिएटर से गरिमा ने शुरुआत किया लेकिन आज वो रायपुर छोड़ करके चली गई हैं क्या करने के लिए गई हो आप दिल्ली रायपुर से देखो कुछ अच्छा काम करना है तो कहीं से तो निकलना पड़ेगा जाना पड़ेगा तो बात ऐसी है कि मैं खुद भी छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ना चाहती थी पर जब इतनी अच्छे अपॉर्चुनिटी मिले मुझे तो जाने का तो बनता ही था तो अभी मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्टूडेंट हूँ सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं थिएटर की पढ़ाई कर रही हूँ वहाँ से और मैंने इसलिए छत्तीसगढ़ को अभी छोड़ा है कुछ दिनों के लिए बाकी एक साल के बाद मैं छत्तीसगढ़ दोबारा आ जाऊँगी फिर हम मिल काम करेंगे तो गरिमा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्शन होना ही अपने आप में एक बहुत कठिन और बहुत बड़ी बात है जिसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं मैं सही नहीं बोल पाएंगे तो माफ़ करिएगा <laughs> <laughs> तो हम बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं कि हमारी दोस्त मेरी दोस्त है ये तो गरिमा जो है वो एन में है नाटक नौटंकी से और कुछ मुझे याद आ रहा है मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो मैं यहाँ पर हमारी टीम ने जो सेलेक्ट करी है पता नहीं मेरे कंप्यूटर में जाके पुराने फोल्डर से कुछ कुछ <laughs> निकाला है और क्या क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता है यहाँ पर तो हम शेयर करेंगे आप भी देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन में कि वो क्या है और उसके पीछे की कहानी हम आप लोग को बताएंगे तो मज़ा आएगा देखते हैं क्या है ये कहाँ का है भाई ये कब का आ, है ये? इसमें आप देख सकते हो गरीबा द नीबलीरो मेरे ख्याल से ना गरिमा वृंदावन हॉल में कार्यक्रम हुआ था कौन सा वाला था ये हमारे स्वर्गीय सेन सर ने ओ, एक कार्यक्रम अच्छा, करवाया अच्छा, था ओके ओके, ओके हां ना कल्याण सेन सर जी ने एक कराया था लता नाइट जिसमें हम मधुबाला बनके थे वॉशरूम में घुस के ये फोटोज खींच रहे थे यार मेरे पास एक छोटा सा कैमरा हुआ करता था निकॉन निकोन कुल हां उससे हम लोग ये सब फोटोज खींचा करते थे हाँ। तो ये है हमारी नखरीली शर्मीली गरिमा बहुत ऐसा सूट-वूट वो पहनती नहीं थी तो अचानक पहनी थी तो हमने ऐसा कुछ बिल्कुल ये चमत्कार ही था उफ हाँ। ये जो पोर्टफोलियो शूट है आपने किस बड़े सेलिब्रिटी फोटोग्राफर से कराया है हाँ। गरिमा उनका नाम लेने से पहले मैं कान पकड़ना चाहूँगी माय गॉड कि ये फोटो मुझे बहुत-बहुत ज्यादा पसंद है और इस फोटो को खींचा है श्री 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 एक सौ आठ सुश्री श्वेता महिमा दास हाँ जी जय हो देवी तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक टैलेंट है श्वेता का कि वही मेरे निकॉन से <laughs> कूल पिक ली गई है एंड दीदी आपको पता है छत्तीसगढ़ फोटोग्राफी क्लब जो हुआ 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 करता है हुआ। उसकी मैं पार्ट हुआ कर थी बेसिकली <laughs> <basically. laughs> तो उसका एग्जीबिशन हर साल जो होता है यहाँ रायपुर में उसके लिए इस फोटो को सेलेक्ट किया गया था क्या बात कर रहे हो जी हाँ यार गांधी उद्यान में बहुत बड़ा एग्जीबिशन हुआ था जिसमें इतनी बड़ी ये

इसकी कहानी आप हाँ भी बताओ यार गरिबा ये तो है ये आप सब जानते, आप सभी हैं। जानते हैं कि ये क्या है ये रिनोवेट हो चुका है ये बोर्ड बाय द वे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लेकिन ये है मन्नत लैंग्स एंड इस इसका जैसे जैसे इसने मन्नत कहा तो आपको इसकी आवाज में जो एक कशिश दिखी होगी और इसमें एक फील देखा होगा वो फील आपको इस फोटो में भी दिख रहा है हाँ हाँ वो वो मन्नत है उसके उस, इसे अंदर जाने को मिलता तो ये तो पूरा मन्नत ही उठा के ले आते <laughs> और ये इस ये मन्नत के पीछे ऐसी कहानी है कि पहली दफ़ा हमारी जो लड़ाई हुई थी मेरी और श्वेता लड़ाई के, के बारे में बात नहीं करते प्लीज ना देखो <laughs> श्वेता और मेरी जो लड़ाई हुई है इस मन्नत और ये मन्नत के मालिक के पीछे <laughs> अच्छा ये कुछ प्रोफेशनल फोटोज भी आपकी हम लोगों ने चुनी है ठीक है और आ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है नन्नी मुन्नी बाल कलाकार गरिमा दिवाकर को तो ये रही आपके सामने देखो तो ऐसा लग रहा है ओम को बाल लगा दिए <laughs> <laughs> सच में ओम मेरे ऊपर गया हुआ है ये आ, बहुत पुरानी फोटो है 2004 की फोटो है आ, हमारे पूर्व राष्ट्रपति ए अब्दुल कलाम के सामने जब हमने स्वागत गीत गाया था अरे वाह तब की फोटो है ये अरे वाह वो उसकी एक और पिक्चर है हमारे पास की देखी उन्होंने हमें स्टेज पे, पे बुला रहे के हाँ, हाँ, आशीर्वाद दिया था अरे वाह काफी काफी मैं और स्वर्णा ये स्वर्णा है ये कुछ बचपन की और भी हाँ, कुछ यादें हैं हाँ पर। ये बहुत बहुत खूबसूरत याद है हाँ, हाँ। कि गुलाम अली साहब आए हुए थे उनका गजल का प्रोग्राम था जिसकी टिकट हमें नहीं मिल पाई थी पर उनके सम्मान में गजल का हमारे लिए अनमोल पल है अच्छा और यहाँ पे एक जो नीचे एक और तस्वीर है यहाँ पे गुलाम अली साहब हैं वो स्टेज पे हमारे साथ में मेरा हारमोनियम है ये हमारे हारमोनियम में उसी हारमोनियम को बजा के वो साथ पे स्टेज पे बैठ के गाना गाए गजल गाए वो कितना बहुत वैसा अनमोल बल था यार बहुत 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 ये मैं दो बंदर <laughs>. पहले मुख्यमंत्री अजीत अजीत जोगी जोगी जी जी जी, के के साथ साथ में तरुण चटर्जी और उन्होंने मुझे इस स्टेज पे दस हजार का पुरस्कार दिया था जिससे मैंने वो हारमोनियम खरीदा था अरे वाह वही जैसे गुलाम अली साहब से पैसों से खेल ऐसे की कमी नहीं मजाक कर हमें बहुत पैसों की जरूरत है बिल्कुल <laughs> अच्छा ओहो हो ये तो देखा अरे और मेरा स्टाइल सबसे जुदा है मेरा स्टाइल सबसे जुदा है, है। कुछ अजीब मिल जाएगा आप गरिमा दिवाकर भारत की शान जरूर डाल करके देखिए YouTube में आपको कुछ बहुत जबरदस्त मिलेगा जिसकी ये पिक्चर्स है आउट हो गई थी, वहाँ पर हुई थी। हम, हमेशा ये कोई ऐसा कुछ नहीं था हम कंपटीशन में रहे हैं साथ में तो बहुत सारे कंपटीशन वो जीतती थी बहुत सारे कंपटीशन मैं जीतती थी हम लोग तय भी करके जाते थे इस वाले कंपटीशन में तू जीत इस वाले कंपटीशन में मैं जीतू सही हम साथ में ऐसे रहे हैं तो भारत की शान हाँ। तो एक तू जीते मैं एक बात ही बात है है ना हाँ। और ये क्या है ये इंडिया का पहला फोक रियलिटी शो है माटी के लाल जो डीडी किसान चैनल पे आता है हु। जिसमें इला अरुण जी थी और अनु कपूर सर थे और काफी सेलिब्रिटीज आए थे वहाँ पे ये इंडिया का पहला फोक रियलिटी शो था जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया था हु। तो एक सौ तिरपन देश में हमारे छत्तीसगढ़ के फोक को लोगों ने सुना था जाना था चाहे वो पंथी कर्मा दादरिया हो तो ये मुझे अवसर मिला था जबरदस्त यार जबरदस्त की फोटो है ये क्या है की अंजोर की शुरुआत <laughs> ये सारे पोस्टर्स हम देख सकते हैं बिल्कुल ये अंजोर, अंजोर की शुरुआत है और हमारे जितने हमने काम किया है वो सारे एल्बम्स के फोटोज है इसमें इसमें यहाँ पे हमारे पद्मश्री मदन चौहान जी मेरे गुरु जी हैं मनोज अंकल जी हैं और पूरी टीम है हमारी अंजोर की और एक मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है जिसको देख करके धूम मच गई थी गरिमा के इंस्टाग्राम पे और उसके पीछे कुछ बहुत जबरदस्त कहानी भी है जिसको गरिमा ने उस चीज़ को सीखने के लिए बहुत एक्सक्यूज मी मैम वो, वो, वो फोटो नहीं दिखाना वो फोटो नहीं आनी चाहिए यहाँ पर फोटो नहीं आनी आ, चाहिए ये लेकिन ये तो है ये तो ये मेरे चरित्र को ब्रेक कर देने वाले वाली तस्वीर है मतलब इस तरह का मैंने कैरेक्टर कभी ना ना इस तरह का मेरा कैरेक्टर रहा पहले इस थिएटर की जर्नी के पहले पर ये कैरेक्टर करने में बड़ा मजा आया मिसेस विल्टन का कैरेक्टर था और एप्सन का प्ले था और दिनेश खन्ना सर ने इसको डायरेक्ट किया था सीन वर्क था हमारा और इसका ये कैरेक्टर है ये बहुत बहुत मेहनत की थी मैंने इसमें और बहुत अच्छा कैरेक्टर था ये प्ले करके मुझे बड़ा मजा आया था तो जबरदस्ती चीजें हम अगर बैठे अभी पिक्चर्स देखने तो पता नहीं कितनी सारी चीजें देख लेंगे बहुत बहुत ऐसी जर्नी आपने एकदम ट्रैवल करा दी ना श्वेता हाँ मज़ा आ गया बहुत मजा आया था थैंक यू यहाँ मीडिया की टीम को इतनी जबरदस्त मेमोरीज <laughs> हम लोगों की आप लोगों ने ताज़ा करा यहाँ पर तो गरिमा मेरे पास कुछ और सवाल है आपके लिए मज़ेदार जल्दी जल्दी मेरे को जवाब देना है बिल्कुल तो मैं अपना फ़ोन यहाँ पर उठा लेती हूँ सवालों का लिस्ट है हमारे पास में तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप एक एक्टर एक हैं और आप एक सिंगर हैं बिल्कुल अगर चूज़ करना हो कोई एक चीज़ तो दोनों में से आप क्या चूज़ करोगे मैं अभी फ़िलहाल तो सिंगिंग ही चूज़ करूंगी क्योंकि एक्टिंग सीख रही हूँ एक्टिंग सीख रहे हैं अच्छा ठीक है बहुत सेफ आंसर था ये मैंने सोची थी कि सर्वर खुजा लेंगे ना ठीक है वेरी नाइस गुड ओके अच्छा गरिमा दिवाकर अपनी एक्टिंग को कितना नंबर देती हैं और अपनी गायकी को कितना नंबर देती हैं आउट ऑफ टेन सिंगिंग को मैं दूंगी एट नंबर और एक्टिंग को दूंगी सिक्स नंबर ओके वेरी नाइस तो गरिमा सिंगर है एक्टर हैं बहुत सारे काम करती है लेकिन आर्ट के फील्ड से जुड़ी हुई है अगर गरिमा एक आर्टिस्ट नहीं होती तो आज गरिमा क्या होती तो मैं बहुत बड़ी गुंडा होती गुंडी नहीं होती। गुंडी, नहीं होती गुंडी नहीं होती यार यारानी तो 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 <laughs> <लो। laughs> <laughs> नहीं हो पाया <laughs> ठीक है तो गरिमा बहुत बड़ा गुंडा होती गुंडा होते क्यों गुंडा होती यार गरिमा तो इतनी प्यारी है सब लोग गरिमा दीदी गरिमा दीदी बोलते रहते हैं तो ये मैं प्यारी बनाया गया ना मुझे लोगों समाज ने प्रताड़ित करके प्यारी बना दिया है मुझे मैं प्यारी नहीं हूँ तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो लोगों को पकड़ पकड़ के चलती ऑटो से बाल पकड़ के नीचे घसीट के रोड पे मारने वाली लड़की है ये ये तो सिर्फ एक किस्सा है तो ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां गरिमा ने किए हुए हैं तो गरिमा बहुत बड़ी गुंडा होती मैं शुरू से थोड़ी रोतलू लड़की थी ओवर इमो तो मुझे प्रोटेक्ट करने वाला भी मेरा भाई गरिमा ही थी एकदम रक्षक थी <laughs> हां जी तो लोगों को चमकाना लोगों को धमकाना ये सारे काम गरिमा करती थी चलिए मस्ती मजाक तो चलता रहेगा मेरे पास अभी सवालों की लाइन है आपके लिए अच्छा। ठीक है जिसका आपको शॉर्ट में आंसर दे बिल्कुल है, ठीक है ठीक है तो चलो पहला सवाल ये है कि कोई एक चीज बताइए जो आप अपना ये करियर शुरू करने के पहले आप सोचती कि ये मुझे जानना चाहिए था तो शायद मैं और अच्छा कर रही होती मैं एक्टिंग को लेके ही कहूँगी कि एक्टिंग मैं पहले से और करीब से जानती तो मैं और भी बहुत अच्छा करती सिंगिंग uh, और अच्छा करती हुँ, हुँ, हुँ। मेरे को ये बताइए कि आपके ज़िंदगी में तीन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं ऐसे तीन लोग मेरे सबसे पहले तो मेरे पिता श्री संतोष दिवाकर जी जिनसे मैंने गाना सीखा और वहीं से मुझे संस्कार मिला मेरे गुरु जी श्री मदन चौहान जी और मनोज वर्मा जी ये तीन छत्तीसगढ़ के नायाब हीरे हैं <laughs> एक कोई ऐसी चीज़ बताइए जो आपने अभी सुनी है या आपको देखने को मिली है जिससे आप बहुत ज़्यादा आपको आपके मन को भाग गई और आपको अच्छा लगा आपने कुछ सीखा उससे हाल फिलहाल का कोई ऐसा इंसिडेंट होना चाहिए <laughs> एक सुगी गीत की मंडली आई हुई थी बहुत हुँ। बहुत वैसा उनका पहनावा उड़ावा था बहुत ही ज़मीन तौर पे जुड़े हुए थे वो लोग और वो इतना मधुर गा रहे थे और उन्होंने संगीत सीखा नहीं है पर वही बात है ना कि फोक है और वो एकदम नेचुरल है तो वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था तो बहुत अच्छा लगा था मुझे ये बात है।, है अगर आप नहीं जानते कि सुआ गीत क्या होता है सुआ नृत्य क्या होता है वो तो, तो वो छत्तीसगढ़ का एक लोक कला है लोकगीत है गीथ 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 है, लोक नृत्य होता है जो दीपावली के समय किया जाता है वो बहुत महिलाओं है आप जरूर देखिएगा उसके बारे में पढ़िएगा ठीक है कोई एक चीज दैट यू कैन नॉट स्टैंड मतलब आपके सामने अगर किसी ने कर दिया वो चीज आप झल्ला जाओगे आप पागल हो जाओगे एक चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर मुझे कोई ईगो दिखाता है ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है मतलब कोई अच्छा काम करा हो वो चीज डिजर्व करता है वो ठीक है बट ईगो कोई दिखाता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता सही बात है और आ, कोई एक चीज़ जो आपका दिल जीत लेती है पहली बार मिले हो लेकिन उसने कुछ वो एक ऐसी चीज़ कर दी कि दिल खुश हो गया यार भाग गया कि उसकी प्योरिटी मैटर करती है उसकी प्योरिटी कुछ जो भी बात कर रहा है या जो भी एक्शन है उसमें कितनी प्योरिटी है वो बहुत मायने रखती है और वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है और जिस जो एकदम दिल जी जीत लेती है वो चीज़ कमाल के जवाब दे रही हो आप अभी एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रही होती गरिमा दिवाकर श्वेता महिमा दास का इंटरव्यू ले रही होती तो कोई एक सवाल जो आप जरूर करती मुझसे कि आप शादी कब करेंगी? पता नहीं। <laughs> यही जवाब है भाई पता नहीं ये देखा नहीं पता? ये कैसे एक्सप्रेशन <laughs> नहीं मतलब मैं क्या ही जवाब दू नहीं पता तो नहीं पता <laughs> सिंपल और ये कोई सवाल होता है यार इसीलिए मैं यहाँ बैठी हो तुम यहाँ बैठी हो गिमा दिवाकर ये जो हमारा कार्यक्रम है सुखर बहुत ही प्यारा सा छत्तीसगढ़ी शब्द है दो सुखर गोट यानी कि अच्छी बात अच्छी बातें और इस नाम को रखने के पीछे मैंने मैंने बताया था दीदी को जब मैं ऐसा प्रोग्राम करने वाली थी कि मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे आर्टिस्ट जैसे गरिमा दीदी और भी बाकी लोग हैं उनको हम छत्तीसगढ़ में लोग जानते हैं लेकिन जो छत्तीसगढ़ के बाहर है या जो हिंदी भाषी है या जो छत्तीसगढ़ी नहीं जानते वो भी जान पाए इसलिए हम यहाँ पर हिंदी, हिंदी में, में, बात में बात कर, कर रहे हैं ताकि लोगों तक बात पहुंचे और जब लोग सुने कि सुगर गोट अच्छा ये छत्तीसगढ़ी शब्द है तब भी उनके दिमाग में ये छप जाए तो ये सोच आपको कैसी लगी <laughs> मोला मोला एक जवाब मैं थोड़ा तो छत्तीसगढ़ी में दू कि मोला बहुत ज्यादा अच्छा लगे इस और मोला तोौर ऊपर कॉन्फिडेंस है कि काबर की तय छत्तीसगढ़ माटी में जन्मे है सो तो छत्तीसगढ़ के प्रति तो जो भावना है चाहे वो भारत के प्रति जो भावना है वो लग हम बचपन से जाना था और ये जो रीज़न रही है मैं बहुत हमारे जो दर्शक हैं मैं कहना चाहूँ कि ये जो श्वेता के रीज़न रहे इसे ना कि छत्तीसगढ़ी भाषा में ना करके हिंदी में करना तो ये बड़े लेवल पे जो भारत के ऑडियंस है अलग अलग जगह से भी जो ऑडियंस जो छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट मतलब जान पाई तो वो मास लेवल में हिंदी बोल बोलते एक कह सकती हाँ ये रीज़न से छत्तीसगढ़ ही ना रख के हिंदी रखी है तो मैं हाँ आपके सोच बहुत ला बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं याना मीडिया सीरीला बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप माना बहुत अच्छा काम कर रहा एक चीज हम कोशिश करते हैं हम हमारे चाहने वालों को ये बोलते हैं कि अपने सवाल और अपने जो भी हो आप हमको लिख करके भेजिए इंस्टा इंस्टाग्राम पे यूट्यूब में आप किससे मिलना चाहते हैं और आपके उनसे क्या सवाल है तो सवाल के साथ साथ हमको एक चैलेंज आया अच्छा और वो चैलेंज ऐसा मैं आपको अब भी बता रही हूँ पता नहीं हम कैसे कर पाएंगे तही ही करने के बाद में <laughs> कि वो चैलेंज ये है कि अच्छा। उन्होंने बोला कि दीदी आप गरिमा दिवाकर से पूछिए कि गरिमा दिवाकर का सबसे पसंदीदा श्वेता महिमा दास का गाया हुआ गाना कौन सा है और वो उसकी चार लाइन गाए और वैसे ही अच्छा। श्वेता महिमा दास का पसंदीदा गाना जो गरिमा दिवाकर ने गाया है और उसकी चार लाइने श्वेता महिमा दास गाए तो ठीक है चैलेंज लाइ एक्सेप्ट कर था बिल्कुल और कोशिश करथन आप मन भर थोड़ा ठीक ठाक गाय के गरिमा दिवाकर जी के गीत <coughs> वैसे तो गरिमा दीदी के सारे गाने मेरे पसंदीदा हैं लेकिन एक गाना है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और जिसकी वीडियो में मैं भी दिखी हूँ आप लोग ज़रूर देखिएगा <laughs> निर्दया रे <laughs> और उसको मैं कोशिश करूँगी हम दोनों की आवाज़ बहुत अलग है हमारा स्टाइल भी बहुत अलग है तो निर्दया रे मेरे स्टाइल में थोड़ा सा और मैं लिपसंग करूँगी

हे निर्दयारे राम दुहैया रे ना तो मया ला गए बस इतना ही <laughs> वाह दिल जीत ले सुनोनी तह धन्यवाद संदीप की याद आ गई इसमें जो हीरो है संदीप मिश्रा गुजरात से हैं बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं जो कि जिन्होंने याना मीडिया के साथ भी काम किया है और आ, सुन मोर संगीरे गाने में बहुत अच्छा काम किया आप लोग जरूर सुनिएगा बहुत अच्छा एक्टर है और सुन मोर संगीरे बहुत पसंद गीत पसंदीदा गीत है मोर ओके दीदी तोर चानेस तमोर मोर चाने से तो ये गीत जो मैं गाने वाली हूं ये मोर तो फेवरेट है और छत्तीसगढ़ में सबो के फेवरेट है और ये गीत छॉलीवुड इंडस्ट्री ला एक दिशा दे से और ये गीत ले आपला बहुत बड़े फेम मिले आपला और ऋषि राज ला तो ये गीत मैं गाऊ और वो आप मैं आप ला कि आप श्वेता महिमा दास तो बनो ही हाँ। और हाँ। मैं हाँ आपके साथ में ऋषि राज बन जाता अरे तय बन जावे का दीदी ठीक हाँ। है चलो 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 ट्राई कर दो हाँ सांस भरने दे मुला कावरे ऋषि बनो ना मेथड एक्टर <laughs> इसे कहते हैं आने दो कर थो मै ज हार गोरी ते मोरे पर गोरी राह देखो मैं तोरे हो गए हे साझ गौरी मोर संसार माँ दिल के छेड़े ऐसे गोरी पढ़ मैं प्यार मा पढ़ मैं प्यार मा पढ़ गे मैं प्यार माँ ऋषिराज मा। yeah. मा। फेल सॉरी <laughs> ब्रदर <Sorry, brother. laughs> दीदी मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना हम लोग जितने देर भी बैठे रहेंगे ना हमारा चलता जाएगा दे और दे। एक पूरा जो सीज़न है ना वो गरिमा और श्वेता <laughs> मिल कर के कर सकते हैं <laughs> लेकिन हाँ समय की पाबंदी है कुछ सीमाएं होती हैं समय की और उसके साथ ही हमको चलना पड़ता है ज़िंदगी की यही रीत है <laughs> तो एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी हमारी जनता के लिए एक सुघर गोठ मैं आप सबों कहना चाहूँ कि आप मना अच्छा से रहो खुश रहो आबाद रहो ईश्वर के कृपा आप मन के साथ सबके ऊपर बरसे और मैं याना मीडिया ला कहना चाहूँ कि आप मन बहुत अच्छा काम करत हो छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट मतलब लेके ले आत हो और मन से बात करत हो और सिर्फ यहाँ छत्तीसगढ़ के जनता के लिए ही ये शो नहीं है ऑल ओवर इंडिया के लिए है और इंडिया से बाहर के लोग मन के लिए भी है तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इस क्षेत्र में काम करे के लिए मैं बहुत अखन शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा दीदी हमारे साथ यहाँ पर आज आने के लिए अपने अपना कीमती समय देने के लिए और आप सभी का भी धन्यवाद एक बार फिर से हमारे इस एपिसोड को देखने के लिए और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया है तो एक बार फिर से हम मिलेंगे अगले शनिवार एक नए आर्टिस्ट के साथ में तो दीदी शुरुआत आपने करी शुरुआत हाँ वही मैं कहा हूँ कि श्वेता की काबिलियत ला देख के मैं ओला चैनल तो सौंप दे हूँ पर मैं हाँ आज शुरुआत कर रहे हूँ तो अंत भी नहीं करूँ काबर की शो के नाम ही से गरिमा दिवाकर तो आप मन हाँ सुगर गोट के साथ बने रहो अच्छा अच्छा आर्टिस्ट मन ला देखूँ अपन औकर मन के एक्सपीरियंस है आपने याना मीडिया सी ला सब्सक्राइब करूँ और ओला बेल आइकॉन ला चपक दो धन्यवाद जय जय जय